दोस्तों आखिरी छोर पे पहुंचे हैं जहाँ से पानी सीधा लेक पिछोला में लगातार जा रहा है। आप देखिए कि महल सामने दिखाई दे रहे हैं और नदी का जलस्तर अभी भी 7.5-7.75 फीट चल रहा है और अभी भी देखिए लोगों का जी हाँ देखने वालों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है और इधर से जो पानी है वो लगातार आ रहा है और आखिरी में ये जो झील पानी है ये सीधा पिछोला नदी में जाते हुए दृश्य है। कल ये नदी पूरी ऊपर तक बह रही थी और आज नदी है थोड़ी शांत है, 7.5 फीट जलस्तर अभी भी चल रहा है। देखें आप लगातार ये दरिया की तरह जो है पूरा जो है पिछोला जो है वो दिखाई दे रहा है, नावें चलती हुई दिखाई दे रही है, पानी पूरा जो है पूरा पानी कलर से जो बदल कर ये पूरा मिट्टी कलर में बदल गया। उसका कारण यह है कि बड़ी संख्या में पानी आया है पहाड़ों से निकल कर, जो बड़ी संख्या में आया है बड़ी ये पानी अपने साथ मिट्टी लेके आता है और वही मिट्टी आगे चलकर ईंट बनाने का काम आती है और बड़ी संख्या में ये मिट्टी जम जाती है और वही मिट्टी जो है घर बनाने के लिए काम आती है। तो आप समझिए कि नदी आती है तो अपने साथ कई चीज़ें लेके आती है और बड़ी संख्या में मछलियाँ यहाँ पे आई हुई है और बड़े खेतों में पानी भरा हुआ है। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में जाके देखे किस प्रकार से खेतों में पानी भरा हुआ है, बड़ी संख्या में मछलियाँ जो है उन खेतों में फंस गई है और मच्छी मार वहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार मछलियों को मारा जा रहा है, नहीं तो वो वैसे ही मर जाएगी। तो देखें आप सिसारमा नदी अपने रौद्र रूप में अभी भी दिखाई दे रही है, लगातार पानी बहता हुआ चला जा रहा है। तो बीती रात 24 घंटे की इस नदी ने 12 फीट तक जलस्तर तक पहुंचा और 12 फीट जलस्तर पहुंचा तो आप देखें कि पिछोला की क्या हालत हुई है और पिछोला पूरा समंदर की तरह दिखाई दे रहा है। तो खूबसूरत दृश्य देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।